हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज कोहेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोहेरेंस से या कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, दो सोर्सेज को कोहेरेंट तब बोला जाता है जब उनके बीच का फेज डिफरेंस, टाइम के साथ वेरी नहीं करता। ठीक है, ओके, टाइम के साथ वेरी नहीं करता तो उन सोर्सेज को कोहरेंट बोला जाता है। ठीक है, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहरेंट इफ दे मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक, तो अब हमें ये कोहरेंट सोर्सेज जानने की क्या जरूरत है। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे कि दो टाइप के इंटरफेरेंस होंगे, एक सस्टेन्ड एक अनसस्टेन्ड। कौन कौन से? सस्टेन्ड मतलब टिका हुआ इंटरफेरेंस, और एक अनसस्टेन्ड। ठीक है, तो ये जो सस्टेन्ड वाला इंटरफेरेंस है ये तभी पॉसिबल है जब कोहरेंट सोर्सेज हो, और इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत मुश्किल है दो कोहरेंट सोर्सेज पाना। ठीक है, बट देयर आर फ्यू मेथड्स जिसकी हेल्प से हम कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। ठीक है, और अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब आपको वो लगेगा ही नहीं कि इंटरफेरेंस हो भी सकता है, हो भी रहा है। ठीक है, अभी इंटरफेरेंस को भी सीखेंगे। ओके, तो अभी जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि एक टाइप के सोर्सेज होते हैं जिनको हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या? उनके बीच का टाइम फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, काम की बात ही है अभी तो। ठीक है, अब कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए जा सकते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, या तो आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स करें, या डिवीजन ऑफ रे या एम्पलीट्यूड करें, या डिवीजन ऑफ रे, ठीक है, या एम्पलीट्यूड। इन दो तरीके से आप कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेज से जो इंटरफेरेंस होता है हम उसको सस्टेंड इंटरफेरेंस होते हैं। ठीक है, बस अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। तो अभी हम देखते हैं कि वो दो मेथड हैं क्या जिनसे आप कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, वेव फ्रंट को ये बांट देना, जैसे कि मान लेते हैं एक स्लिट है और उसके पीछे एक सोर्स रखा है, लाइट सोर्स। उसने वेव्स फेंकी और इस वेव फ्रंट को आगे प्रोपोगेट किया गया। अब ये जो एक वेव फ्रंट यहाँ पहुँचा दूसरी स्लिट्स पर, यहाँ दो स्लिट्स हैं, तो इस वेव फ्रंट का थोड़ा पोर्शन यहाँ से पास होगा और थोड़ा पोर्शन यहाँ से पास होगा। तो ये दोनों जो सोर्सेज हैं, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ दीज वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो इस वेव फ्रंट्स के दो टुकड़े हुए, एक S1 से पास हुआ और एक S2 से पास हुआ। इसकी वजह से ये दोनों कोहरेंट सोर्सेज बन गए, और फिर ये भी पॉइंट सोर्सेज की तरह एक्ट करने लगे, एंड दे प्रोड्यूसेस देयर ओन वेव फ्रंट्स। ये एग्जैक्टली हाइगन्स प्रिंसिपल है। और फिर इनके वेव फ्रंट्स इंटरफेयर किए और यहाँ स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न मिला, मिनिमा मैक्सिमा ऐसे ऑल्टरनेट मिलते हैं। ठीक है, अभी वो और डिटेल में देखेंगे। देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ भी दो बोल्ड लाइंस मैच कर रही हैं वहाँ मैक्सिमा आएगा, जहाँ एक डॉटेड और एक बोल्ड वहाँ मिनिमा। ठीक है, फिर मैक्सिमा। ठीक है, तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। ओके, सिमिलरली यहाँ सोच के बताएं, मिनिमा, यस, यहाँ मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमा मैक्सिमा होंगे, इनको हम और डिटेल में अभी देखेंगे। अभी के लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स होता कैसे है। और दूसरा मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड्स का तोड़ देना। इसमें क्या होता है, एक रे को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा ये जो डायग्राम है एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस प्रोसेस का है। इसमें क्या होता है, एक रे आई, उसका कुछ पार्ट, मान लेते हैं ये एम्पलीट्यूड है कुछ, लेट्स से इंटेंसिटी है कुछ आई। ठीक है, इसको बोलते हैं आई रिफ्लेक्टेड, ये इसी का एक पार्ट है, और ये आई ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ये रे अब दो पार्ट्स में टूट गई। फिर इसका भी एक पार्ट होगा जो यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा और एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर ये एक और
IR डैश बोल सकते हैं इसको। आप यहाँ कहीं ऑब्जर्वेशन लेंगे, हेयर विल बी योर आई, तो यहाँ पर आप इंटरफेरेंस देख सकते हैं ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जिनके रास्ते अलग अलग हो गए। इनफैक्ट दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज आर कमिंग और आर ए पार्ट ऑफ अ सिंगल रे। तो क्या हुआ, इन दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे बना, इसी एम्पलीट्यूड को तोड़ के। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड के और भी पार्ट हुए, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। हम इस मेथड को थिन फिल्म इंटरफेरेंस में डिटेल में स्टडी करेंगे। और भी कई जगह ये होता है, ये न्यूटन रिंग में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। ठीक है, तो इन सब जगह ये आपको मेथड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का मिलता है। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का क्या मतलब है। व्हेन टू और मोर देन टू वेव सुपरइम्पोज, सुपरइम्पोज का मतलब एक जगह पे आना, ठीक है, ओवर ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट और पार्टिकल ऑफ द मीडियम, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई। क्या हुआ, ये दो वेव्स हैं, एक वेव वन कह रही है पार्टिकल को कि भाई यहाँ पर उसे इतना डिस्प्लेस करना है, इसको बोलते हैं वाई वन, और दूसरी वेव वाई टू कह रही है, टू वेव कह रही है उसको वाई टू डिस्प्लेस करना है। अब अगर ये दोनों एक साथ इस जगह पर आती हैं, तो इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है जिस पर ये दोनों सुपर इम्पोज कर गई हैं, उसको इन दोनों की बात मानकर वाई वन प्लस वाई टू डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी दिस मच, वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, ऐसा हर जगह होगा। जैसे कि इस पार्टिकल की बात करें, तो इस पार्टिकल को वेव ये वाली बोल रही थी कि आपको इतना ऊपर जाना है, और ये वाली वेव बोल रही थी कि आपको यहाँ, मान लेते हैं, इतना ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये वाई टू और ये वाई वन, और यहाँ पर कितना ऊपर गया वो, यहाँ यहाँ तक गया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कुछ और नहीं, ये वाई वन प्लस वाई टू है। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटरफियरिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ऐसा तब होता है जब फेज डिफरेंस 0 और 90 के बीच में होता है। ठीक है, अभी ये सारी जो डिटेल्स में बोल रहा हूँ, ये आराम से हम मैथमेटिकली इसको समझेंगे, बट अभी के लिए जस्ट ये कंस्ट्रक्टिव, नाम से भी समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब ये दो वेव्स हैं, वेव वन वेव टू। ठीक है, ये कुछ ऐसे सुपर इम्पोज हुई कि वन पार्टिकल्स को कह रही है कि ऊपर जाना है और टू कह रही है नीचे। तो वन कह रही है कि भाई आपको ए वन ऊपर जाना है, और टू कह रही है भाई आपको ए टू नीचे जाना है, और ए वन बड़ा है तो पार्टिकल दोनों की बात मानते हुए ए वन माइनस ए टू ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ वही वेव कह रही है, वेव वन ए वन नीचे जाना है, वेव टू कह रही है ए टू ऊपर जाना है, और दोनों की बात मानते हुए ए वन माइनस ए टू वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहीं भी लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन कुछ और नहीं, वाई वन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू वेव वन, वाई टू इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू पॉइंट टू, एंड वाई इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं जो इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। पहला है फेज। ठीक है, जो भी कोई इस टाइप की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ए वेव होती है, आपने वेव चैप्टर पहले ही पढ़ा होना चाहिए, तभी आप वेव ऑप्टिक्स को पढ़ें। ठीक है, तो इस पार्ट को फेज बोलते हैं। फेज इज बेसिकली एन एंगल, फेज इज समथिंग जो बताता है कि इस मोमेंट पर पार्टिकल कैसा रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मीन्स एंगल ऑफ साइन और कोसाइन इन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज डिफाइंड एज फेज। जैसे कि ये, यहाँ इसको फेज बोल सकते हैं, ओमेगा टी विल बी कॉल्ड द फेज। ठीक है, तो अगर दो पार्टिकल सेम फेज में हैं, सो दे विल बिहेव आइडेंटिकली। इफ दे आर इन ऑपोजिट फेज, तो एक ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा, एक अपने अपर एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, एक अपने लोअर एक्सट्रीम पर पहुंचेगा।
एक का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा। इस तरीके से बिहेव करेंगे व्हेन दे आर इन ऑपोजिट फेज और आउट ऑफ फेज। ओके, इफ दे आर इन सेम फेज सो दे रीच दे आर मैक्सिमा साइमल्टेनियसली, वो अपने मिनिमा पर भी साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, उनकी वेलोसिटी एक साथ जीरो होगी। ये सारी चीजें तब होंगी जब वो सेम फेज में है। ठीक है, तो फेज इज समथिंग विच गिव्स आप कि पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा है उस टाइम पर। ओके, और मैथमेटिकली इट इज द एंगल, ठीक है, इन द इक्वेशन। तो फेज डिफरेंस, जैसे कि दो वेव्स हैं, वाई वन इक्वल टू ए वन साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, वाई टू इक्वल टू ए टू साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस जब आप करेंगे एंगल्स का, तो डिफरेंस आ रहा है फाई। सो दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y डैश इज इक्वल टू ए डैश कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? इन दोनों में फेज डिफरेंस है पाई बाय टू का। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब आप कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जाएगा बेस फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन करें, या यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस कन्वर्ट करके करें। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, इसको ये लिखा जा सकता है। एंड अब आपको आराम से दिख रहा है दैट ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू इसका फेज है, ओमेगा टी इसका फेज है, तो फेज डिफरेंस पाई बाय टू आ गया। ओके, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है? मान लो यहाँ से और यहाँ से वेव्स जनरेट हुई जिनमें कोई इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं था। ठीक है, एक को यहाँ पहुँचने में रास्ता कवर करना पड़ा एल वन, और एक को यहाँ से इस पॉइंट पी पर जहाँ ये मिल रही हैं, मिलना इंटरफेरेंस कहलाएगा एल टू। सो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट डेल्टा एक्स और डेल्टा एल इज एल टू माइनस एल वन, जो भी बड़ा है। अगर नहीं पता बड़ा छोटा कौन है तो मॉड ले लो। अब पाथ डिफरेंस कुछ और नहीं डेल्टा एक्स है, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन या डेल्टा एक्स। ठीक, तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम डिफरेंस करें तो यहाँ से हमें मिलेगा द डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा वो होगा के एक्स टू माइनस एक्स वन। सो के डेल्टा एक्स और के टाइम्स पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। ठीक है, ये यही लिखा है, के की वैल्यू होती है 2π/λ, और आपने यहाँ से ये पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, हमने जस्ट ऑपोजिट तरीके से एक्सप्रेशन लिख दिया। आप ये याद रखें, फेज डिफरेंस इज के टाइम्स पाथ डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस ऑब्वियसली ये अलग अलग टाइम पर अगर वेव जनरेट की गई तो इनमें कुछ टाइम डिफरेंस भी होगा, और इन्हीं दो अपोजिशन सेम मानते हुए अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डेल्टा फाई आने वाला है। पोजिशन सेम है तो के एक्स माइनस के एक्स गायब हो गया, अब आया ओमेगा टी टू माइनस टी वन विच इज डेल्टा टी। तो ओमेगा होता है 2π/ टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी इज योर डेल्टा फाई। ये एक्सप्रेशन भी बहुत काम का है, आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंजॉय।